मैं कलकत्ता में रहता हूँ। मैं गया था नेपाल। नेपाल से हम लोग बाय रोड लखनऊ की तरफ आ रहे थे। मेरे साथ था टुंडे के अमर, जो नेपाल से थे, उनकी वाइफ, उनकी एक सिस्टर, और अतुल गुप्ता जो लखनऊ से थे, और मैं था मिडिल साइड में, राइट में बैठा था, और मेरे साथ था ड्राइवर। जब हम लोग लखनऊ की तरफ आ रहे थे, तब बहराइच बोल के एक जगह का नाम था, आपके यहाँ पे नाम दिख जाएगी, और हम लोग इनोवा में थे। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा रात का टाइम था, करीब 9 साढ़े 9 बजे ऐसा टाइम था, तो मुझे थोड़ा सा टॉयलेट जाना था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा सफ़र कर चुके थे। तो मुझे थोड़ा टॉयलेट जाना था। मैं ड्राइवर बोला, ड्राइवर साइड में कार को रोको। तो हम लोग इतनी ज़्यादा साइड में थे, हाईवे से कम 8 वाला पहिया वहाँ पे ट्रक खड़ा हो सकता है। तो ड्राइवर आया, कार के दरवाजे खोला, मैं उतरा, राइट में गया। जैसे इंडिकेटर तरफ गया, इंडिकेटर जो होता है राइट वाला, तो एक तेज कार इतनी तेज है, मैं उसको देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे सुसु लगी थी, मैं उतर के जाने वाला था, और राइट वाला इंडिकेटर और उनकी कार की लेफ्ट साइड ऐसे लगा, ठीक है? तो जैसे लगा, मैं पूरा ब्लाइंड है, मैंने मेरे को पता ही नहीं था ऐसे बात है। तो मैं देखा मेरा पैर वाला कट के ऐसे ऐसे झूल रहा था, पूरा कट गया था उस समय, मैं पूरा होश में था, पूरा कट के झूल रहा था ऐसे, और मैं उधर ही बैठ गया मिट्टी पे। और मेरे दोस्तों को पूरा खाई में जा चुका था, आपको ये मेरे जो खाई वाला फुटेज दिख रहा होगा, मैं हम लोग हुआ कार था, जो हुआ दोस्त लोग सारे लोग नीचे थे, वो लोग ऊपर आए। मैं बोला भाई लोग जल्दी से कार बुला ले, मैं बच जाऊंगा। और उसमें तो बहुत सारा भाई लोग मेरा सेल्फी खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मैंने एक बंदे भी हेल्प करके नहीं आ रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा था। मैं सबको रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर बोलता, भाई लोग प्लीज एक कार बुला दो मेरे लिए, एक कार बुला लो मेरे लिए। मेरे दोस्त लोग पूरा, मैंने वहाँ पे आधा घंटा हो ही चुका था। उसके बाद एक कार मिली थी, वहाँ से हम लोग आ रहे थे हॉस्पिटल की तरफ। तो हम लोग एक जो क्या बोले, एक छोटा सा हॉस्पिटल दिखा था, छोटा सा हॉस्पिटल जो क्लिनिक बोलते हैं हम लोग, वो हाईवे के साइड में था। तो उसने मेरे को थोड़ा बैंडेज वगैरह कर दिया था, उन लोगों ने एम्बुलेंस ला दिया, उन लोगों ने एम्बुलेंस ला दिया। फिर हम लोगों को बोला जी आप चल जाइए आरएस हॉस्पिटल, लखनऊ के आरएस हॉस्पिटल होगा। तो उधर हम लोग गए, उधर बोल रहा था आपका फैमिली मेम्बर होना चाहिए, तब आपकी एडमिशन होगा। तो हम लोग का फैमिली कोई नहीं था, तो वह सब लोग वो लोग बोल रहे थे हम लोग एक और एक क्लिनिक है उधर आप जाइए, ऑलरेडी हम लोगों का 2 घंटे इसमें 2 घंटा हो चुका है। तो हम लोग वहाँ से एस हॉस्पिटल भेज रहा था। तो एस हॉस्पिटल जाने की तरफ हम लोगों का दोस्त लोग जो लखनऊ की तरफ थे, जो अतुल गुप्ता के फ्रेंड लोग थे, हम मेरा भी दोस्त लोग थे, तो उन लोग बोला भाई चंदन हॉस्पिटल आ जा, हम लोग सारा कुछ कर चुके एडमिट हो जाए। तो हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस घुमा के चंदन हॉस्पिटल आ गए। तो जैसे मैं आया, उसके बाद मेरा होश जा चुका था, मैंने आया ट्रे खींचा तो मेरा होश जा चुका है। सुजन का जो ऑपरेशन हुआ था वो थोड़ा सा लेंदी था। रात की 12 बजे से लेके सुबह की 7 बजे तक उसका ऑपरेशन हुई थी। तो इधर हम लोग सब कुछ अटैच कर देंगे, उसका ऑपरेशन थिएटर से लेके उसका कटा हुआ जो पैर था उसका भी फोटो हम लोग इधर अटैच कर देंगे, आप लोग सब कुछ देख सकते हो। फिर दूसरा दिन मतलब 23rd को सुजन को ऑपरेशन थिएटर से दिया गया था वेंटिलेशन पे। वेंटिलेशन मतलब लाइफ सपोर्ट। तो हम लोगों को ये बता दिया गया था कि सुजन मर भी सकता है, बच भी सकता है, मतलब ऐसा एक सिचुएशन था। बहुत सारे लोग कोमा में भी चले जाते हैं। तो मैं जब नर्स से पूछी थी कि कितना क्या टाइम लगेगा सेंस आने में, तो उन लोग डायरेक्ट बोल दिया था हम लोगों को कुछ नहीं पता है, 72 आवर्स वेट कीजिए। तो एनास्थेशिया का असर जब तक नहीं कटेगा, जब तक सेंस नहीं आएगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते। फिर दो तीन दिन बाद उसको दिया गया था MICU। MICU में हुई है और एक ट्विस्ट, एक पुलिस आया था। तो उधर मैंने पूछी थी उसको कि ये हुआ है सुजन के साथ, तो हम लोग क्या कर सकते। तो तब पुलिस ने मुझे ऐसे बोला, मतलब कैजुअल, उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, ऐसा मुझे बोला है। उसका आंसर यही था कि देखिए बहुत सारे लोग तो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अगर आप लोगों का बंदा मर जाता तो 2 साल का सजा होता जिसने ये किया है, तो इससे अच्छा आप लोगों का बंदा तो सही है, तो आप क्या ये मतलब आप क्यों इसमें पड़ रहे हो, आप एक काम करो ना उसको रिकवर करके जल्दी से जल्दी घर लेके जाओ। तो तब मुझे बुरा भी लगा था हम लोगों के रूल्स के ऊपर, और गुस्सा भी आया था कि हम लोग इतना भरोसा करता है जिन पे जस्टिस के लिए हम लोगों को कि न्याय दिला दो, उन लोग अगर ऐसा बोलेगा कि ये तो कैजुअल है, तो तब कैसा लगता है। गाइस जब मैं हॉस्पिटल में था तब कभी पुलिस वाले मेरे को मिलने नहीं आया, बस लास्ट जब मैं कलकत्ता आने वाला था उससे पहले 3-4 दिन पहले एक पुलिस वाला आया था वर्दी पहन के, और मेरे को बस आया था ऐसे ही कैजुअली, आके पूछ रहे हैं आपका नाम, आप लोग कितने बंदे कार में थे, और
कैसे हुआ, बस ये पूछा, चल गया, कुछ नहीं, बस इतना था। और फिर हम लोगों ने जब उस समय उस मैंने वो केस के बारे में कुछ कुछ भी मेरे को पूछा नहीं, किसके बारे में कुछ भी। मैं आया कलकत्ता, थोड़ा कुछ दिन तक रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने पूछा क्या FIR वगैरह क्या हुआ, तब मेरे को सुनाई दिया जो हम लोग का जो इनोवा का जो ड्राइवर है, आपको ड्राइवर का फोटो दिख जाएगी यहाँ पे, ये जो भाई साहब थे ये अपने कार छोड़ने के लिए खुद से जाके FIR किया ना, पता नहीं किसको जाके लेके गया, क्या ले गए, कैसे केस किया, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, तो मेरे पुलिस वाले से निवेदन है, और सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये वो बंदे का कार का फुटेज है जिसने मुझे एक्सीडेंट किया है, ठीक है, जिसके वजह से मेरा ये हाल है। तो वो बंदा पहले दिन से ही खुले में घूम रहा है, बस इतना सुनने आया था, थाने में जा रहा है, साइन कर रहा है और खुले में घूम रहा है, कुछ सजा नहीं उसके लिए, कुछ भी नहीं। तो मैं सोच के हैरान हो गया, जी मैं एक्सीडेंट, मेरा पैर चल गया, मैं खुद से हैरान हूँ, पैर चल गया, बंदा कैसे खुले में घूम रहा है। अरे एक दिन चाहे 10 दिन हो, भाई एक महीना हो, सजा तो काटे कुछ। मैंने अपनी किस्मत में हंस रहा हूँ भाई, जे कैसे घूम रही, तो पुणे वाले के साथ जैसे हुआ पूरा सही हुआ भाई, मैं अगर मर जाता तब भी खुले में घूमता, पैसा होगा शायद दिया होगा इधर उधर, समझ रहे हो आप लोग भी, तो उसके पास वही वही चीज है ना, मैं वही सोच रहा हूँ, जे मैं मेरा प्यार कट गया यार, मैं बंदा खुले में घूम रहा है, कैसे हो सकता है, एक दिन के 2 दिन के लिए जेल तो गए, कुछ भी नहीं, कैसा सिस्टम है मोदी जी, हर सरकार भाई, यूपी पुलिस, हर जो बंदे व्यक्ति मेरे लिए वीडियो देख रहे हो, मैं इस सवाल पूछता हूँ, अगर ये चीज कोई कोई पुलिस वाले के साथ होता, कोई तो उन लोग क्या करते, अगर मेरे साथ ये चीज हुआ है, और उनके साथ मैं मैंने उनके उनके साथ के, किसी के साथ भी चीज होता है, मैं अगर कल लखनऊ जाके किसी को भी ऐसा चाहिए ऐसा कि मैं दोनों पैर कटा देता हूँ, तो क्या मेरे लिए भी समस्या जी, मैं बस थाने भी जाऊंगा, साइन करूंगा, आ जाऊंगा, ये जो पैर है अभी तक सूखा भी नहीं मेरा, ये जो पैर है अभी तक जख्म भरा, मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा आज ही कहीं, यहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी कि ना, फोटो दिख जाएगी, ये अभी तक ये घाव सूखा नहीं। तो मुझे पुलिस वाले हर सरकार से जितनी जितनी भी देख लो, मैं इतना अजीब, उस बंदे के लिए सजा ही नहीं कुछ, बस वो जा रहा है, साइन कर रहा है, चल रही, क्या सिस्ट, क्या है ये, इस ऐसा इनमें दिक्कत है, मैंने दिक्कत थू है, ऐसा दिक्कत में थू है भाई, अगर सजा नहीं है तो इसके लिए रूल बनाइए, अगर नहीं है तो रूल बनाइए भाई। ये जो बोलते हैं ना लोग बचपन से, यार सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान वाले कैसे अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो बचपन से बोलता रहता हूँ, आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलता हूँ, हर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं सबको ये सिखाता हूँ भाई, जब भी कुछ होता है या बुरा लगता है हमको भी, कोई एक्सीडेंट होता है कुछ, जैसे 22 फरवरी को कुछ हुआ है, सब चीज को बुरा लगता है, तो आज मेरे साथ चीज हो ना, मुझे मुझे शर्म आ गई अपनी लॉ पे, अपने सिस्टम में मुझे शर्म आ गई। सोच लीजिए वो जो आरएस हॉस्पिटल है, वो मुझे बोल रहा था आपका फैमिली मेंबर चाहिए तो आपको एडमिट नहीं करेंगे, बाप बंदा मर जाए कोई फिक्र नहीं है, मैं मतलब मैं जो बचना चाहते हैं उसको भी आप लोग मरवा रहे हो। और दूसरी बात यह है, हम लोग भी आम आदमी है, 2 दिन का क्यों क्यों जेल है, तुम्हारा 4-4 ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें जो हर रोज बोल रहा हूँ, जो जो तुम खेला है, मैं एक महीने तक, दो साल भी उसके लिए बहुत ही कम है, एक महीने तक ओपे, एक महीने के अंदर मेरा 4 ऑपरेशन हुआ था, उसमें मैंने लिटरली रो दिया ओपे। आप अगर चंदन हॉस्पिटल में आओगे, इंक्वायरी करोगे, 311 मेरा नंबर था, उसमें बंदा रोया, पेन किया, कितने दर्द में झेला, रात भर सोया नहीं था मैं। ये जो जलन है, क्या उस व्यक्ति को वो जलन हुआ है, जो इंस्पेक्टर मुझे नहीं पता, जो पुलिस वाले आए थे इनके पास, जो बोला था आपका व्यक्ति आपका बंदा तो बच गया है, वो आप उसके लिए खुश हो जाओ, भाई क्या भाई पुलिस वाले कौन हुआ भाई, लेकिन बात ये है, हम लोग भी आम आदमी है, हम लोग भी कुछ कोई कुछ नहीं है, तो ऐसे बहुत सारा लोग है जिसके साथ ऐसा हादसा होता है, लेकिन हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। अगर हम लोग नहीं बोल पाते तो इसका जस्टिस नहीं मिलता है, हम लोग किसके पास जाते, आज पुलिस के पास जाते थे, कल उसके पास जाते थे, दूसरे दिन लॉयर के पास जाते थे, न्याय कहाँ पे मिलता था, कहीं पे नहीं मिलता था। और जो पुलिस वालों ने जो बोला था कि आप लोगों का बंदा तो जिंदा है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा है कि इसका फ्यूचर का क्या होगा, ये काम कैसे करेगा, इसका जो रोजी रोटी है जो खा के ये जिंदा रह पाएगा वो कहां से आएगा, ये तो एक बार भी नहीं बोला है कि उसका फैमिली फैमिली का जो सीन गया है वो 1 महीना हॉस्पिटल में कैसे गया है,
जब बंदा वेंटिलेशन में जाता है, लाइफ सपोर्ट में होता है, जब उसको फैमिली को पता चलता है कि मेरा बेटा बच भी सकता है, मर भी सकता है, तब कैसा लगता है? तो कोई मतलब किसी ने ये फील नहीं किया जो इन्होंने किया, इसका फैमिली मेंबर ने किया, और जो हम लोग थे, हम लोग उसको देखा है, तो हम लोगों को पता है कि क्या क्या हो रहा था। और जो खुले आम घूम रहा है ना, वो आज तुम्हारे साथ किया है, कल दूसरे के साथ करेगा। तो मैं सरकार से यही हर यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस, मोदी जी, योगी जी, सबके सभी जितनी भी वीडियो को देखते हो ना, हर पुलिस वाले से निवेदन है, बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे पुलिस मैं देखता हूँ वीडियो, हम लोग यार कितना कुछ वीडियो में देखते हैं हम लोग, मैं हर पुलिस वाले से निवेदन है, हाथ जोड़ निवेदन है, सभी पुलिस वाले सभी, पहले तो ये एक्शन के सिस्टम बहुत चेंज करिए सबसे पहले, और मुझे चाहिए जस्टिस, उस व्यक्ति को जेल करिए, सजा दीजिए, मुझे फर्क नहीं, मेरे जो हुआ है, मैं एक साल तक क्या करूंगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे करूंगा इस पैर को ठीक, कैसे करूंगा उस दर्द को, मेरे फैमिली को कौन देखेगा, क्या सरकार वाले देखने वाले, क्या सरकार देखेगा, क्या वो व्यक्ति देखेगा, क्या वो जो हॉस्पिटल आरस वाले आरस आए, उस समय मेरा इलाज होता शायद मेरा पैर घूम जाता, उसमें मेरा टोटल 3 घंटा ना कितना घंटा लग गया आलमी हॉस्पिटल, चंदन हॉस्पिटल, मुझे खुद नहीं पता है। तो आप लोग सोचिए, हर एक व्यक्ति से मुझे निवेदन है, हर एक पुलिस वाला, हर एक मंत्री जो भी देख रहे, प्लीज आप लोग मेरे लिए कुछ करिए, और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। क्या बोलूं यार, हर यूपी वालों से ये निवेदन है, हर इंडियन से ये निवेदन है कि हम लोग का जो लॉ है ना, ये बहुत वीक पड़ रहा है, कि हम लोग चाहते हैं जस्टिस, जिसके साथ रोड एक्सीडेंट में कुछ नहीं होता है, मतलब जो कुत्ता उससे भी तो हम लोगों का खराब है, मतलब ऐसे यू ही हम लोग का जिंदगी का कोई भी वैल्यू नहीं है। पुलिस वाले आगे कैसे बोल सकते हैं, भाई जे तेरा, मैं उससे मैं होने से बात किया था, जे तुम्हारा बंदा बच गया, उसके साथ खुश रहो, घर जाओ, ऐसे कुछ, उसको रिकवरी करके घर जाओ। सच कहो तो ना, जब आप लोगों का बंदा ऐसे आईसीयू में रहेगा या वेंटिलेशन में रहेगा, डॉक्टर कॉल करेगा, उसको सेंस आ सकते नहीं आ सकते ना, तब ये नहीं सोचते है कोई कि चलो चलते उसको सजा दिलाने के लिए, तब ये लगता है कि पहले मेरा बंदा बच जाए, जो हॉस्पिटल में है पहले वो सही हो जाए, वो बात करे, तब हम लोग सब कुछ से लड़ लेंगे, लेकिन उसको सही होना चाहिए। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ, वो जो व्यक्ति है जिसके पास मेरे हाल है, उसका कार का नंबर आपको दिख जाएगी, तो प्लीज इनसे इनको सजा दीजिए, और मेरे जिंदगी भर का भुगतान भरने के बोलिए, जितनी भी खर्च होगा मेरे जिंदगी भर, मैं एक साल तक कुछ नहीं करूंगा, क्या सरकार मेरे लिए जिंदगी भर का खर्चा उठा पाएगा, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हम लोगों की उनसे जानना चाहता हूँ, मोदी जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरा खर्चा उठा पाएगा, हर वो व्यक्ति से आप सोचिए, मैं देखो कोई अगर मेरे पास तो ये चीज है, अगर उसके पास वो चीज नहीं, कितनी व्यक्ति से ना जाने कितनी बार एक्सन होता है, मेरा तो जिसमें कुछ गलती नहीं था, मैं साइड में उतरा जहाँ पे इतनी ज्यादा था, जहाँ पे पूरा 8 पला भैया ट्रक खड़ा हो सकता, इतनी जगह ऐसे नहीं, हम लोग हाईवे के साइड में थे, बहुत दूर में थे हाईवे से, तो बंदा क्या है कितनी तेज में आके मुझे मारा, कल किसी और के साथ होगा, किसी और के साथ करेगा वो, तो व्यक्ति को सजा दीजिए प्लीज, मैं चाहता हूँ बस इतना ही बोलना है, या तो सजा दे दीजिए, उसका करी से करी सजा होना चाहिए, हम लोगों को न्याय दिला दीजिए, जस्टिस दिला दीजिए, या तो फिर अगर आप लोगों से कुछ नहीं होता है ना, तो सरकार जी से, योगी जी से, मोदी जी से यही निवेदन है कि ये बताइए कि इसका फ्यूचर का खर्चा उठाएगा कौन, आप लोग उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो ये कर दीजिए, नहीं तो जिनके लिए इसका हालत ये है उसको सजा दे दीजिए। नमस्ते।